सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सौरभ द 650 राइडर। सो गाइज, जो आपने टाइटल पढ़ा है वो बिल्कुल सही पढ़ा है। इसका ऑक्सीजन सेंसर, जिसको आप लैम्डा सेंसर भी कह सकते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम आ रहा था। ये प्रॉब्लम वीडियो का पार्ट सेकंड है। पहला पार्ट में आपने देखा था इसका बोथ इंजेक्टर फेलियर हो गया था। क्या प्रॉब्लम आ रहा था कि मुझको मेरा जो आरपीएम है वो 1000 से नीचे चल जा रहा था, और मैं आइडियल कर रहा था तो 1000 से नीचे जाके वो बंद हो जा रहा था, तो इंजेक्टर का काम हो गया इधर। तो अब दोस्तों, ये ऑक्सीजन सेंसर का इशू आ रहा था। कैसे पता चला मुझको ऑक्सीजन सेंसर का इशू है? ऑक्सीजन सेंसर का क्या काम होता है? क्या ही वो करता है जो आपको ऑक्सीजन सेंसर इशू प्रॉब्लम क्रिएट करता है? मैं सारा कुछ इस वीडियो में बोलूँगा। आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। तो चलिए बताते हैं ऑक्सीजन सेंसर में क्या इशू आता है, जो प्रॉब्लम होता है, उसके बाद बताऊँगा ऑक्सीजन सेंसर का क्या काम होता है। ऑक्सीजन सेंसर यही इशू आ रहा था ना कि बाइक जो है मेरा, ऐसे तो सही चल रहा था, पर कभी कभी वो आइडियल में हल्का ऊपर नीचे हो रहा था। मतलब 1000 से नीचे आरपीएम नहीं जा रहा था, पर वो स्टेबल नहीं आरपीएम रह रहा था जितना से रहना चाहिए। और ऑक्सीजन सेंसर में ना छोटा छोटा, मतलब छोटा छोटा छेद होता है, उसमें कार्बन डिपोजिट जमा हो जाता है। मतलब दो तीन साल में, हर बार नहीं, दो तीन साल में उसको खोलवा के थोड़ा सर्विस करवा लेना पड़ता है। वो जो छेद रहता है ना, उसमें छोटा छोटा, उसमें कार्बन डिपोजिट जमा हो जाता है, जिससे वो सेंस नहीं कर पाता है। वो जो आपका जो बेंट पाइप में वो लगा हुआ रहता है, जो इंटरसेप्टर है, उसमें दो लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन सेंसर लगा हुआ है, जो कि जो धुआं जो निकलता है, एग्जॉस्ट गैसेज जो निकलता है, उसमें वो सेंस करता है कि कितना ऑक्सीजन बर्न हो रहा है और कितना फ्यूल है वो बर्न हो रहा है। उससे हिसाब से वो आपका जो एयर और ऑक्सीजन का मिक्सचर कितना देना है वो ईसीयू को देता है। तो ये मुझको दिक्कत हो रहा था ऑक्सीजन सेंसर में। बाप रे, बड़ी मच्छर है भाई, पंखा उंखा सब ऑफ करना पड़ता है जब वॉइस ओवर कर रहे होते हैं तो। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो ऑक्सीजन सेंसर में इशू आया मेरा। ऑक्सीजन सेंसर का काम क्या रहता है? ऑक्सीजन सेंसर का यही काम रहता है, सबसे पहले तो वो बेंट पाइप में जहाँ पे आपका कंबशन हो रहा है, अब वहाँ से जो धुआं निकलेगा, गैसेस निकलेगा, ठीक वहीं पे थोड़ा सा बेंट पाइप में वो कसा हुआ रहता है, और वो ऑटो क्लीन होने का वो रहता है, उसका फीचर रहता है। क्योंकि वहाँ से एकदम, अगर आप बेंट पाइप निकाल के अगर आप अपना बाइक को स्टार्ट कीजिएगा तो दूर तक आग जाएगा, तो वो आग से जो है ना, वो दूर तक जो देता है एकदम हीटिंग, तो उसे ऑक्सीजन सेंसर क्लियर हो जाता है। पर दो तीन साल ऐसे ही चलते चलते उस छोटा छोटा, उसमें मैं आगे वीडियो है, मैं उसमें आपको दिखा दूंगा, तो उसमें छेद रहता है, तो उसमें छोटा छोटा कार्बन डिपोजिट जमा हो जाता है, जिसको हम लोग को साफ करवाना पड़ता है। वो जो थ्रॉटल बॉडी क्लीनर रहता है, उससे थोड़ा थोड़ा मार के, बहुत ज़्यादा भी नहीं, आप वीडियो में देख लीजिएगा कैसे हम लोग ने क्लीन किया, उससे उसको क्लीन करवाना पड़ता है। ऑक्सीजन सेंसर का यही काम रहता है कि आपको जब आपका बाइक चल रहा होता है, तो वो आपका फ्यूल और एयर और फ्यूल का मिक्सचर आपका जाएगा कंबशन चैम्बर में, वहाँ जो कंबशन होगा, और वो फिर जो धुआं जो निकलेगा, उसमें वो सेंस करेगा कि कितना ऑक्सीजन बर्न हुआ है और कितना फ्यूल उसमें बर्न हुआ है, और वो उसको बताएगा ईसीयू को, और ईसीयू उसी हिसाब से फिर से आपका एयर और ऑक्सीजन का मिक्सचर आपका आपको छोड़ेगा। फिर ये अगर ख़राब हो जाए तो क्या होगा? देखिए, इसमें दो चीज़ ख़राब होता है। एक जो मेरे साथ हुआ, जो कार्बन डिपोजिट जमा हो जाता है, वो हो जाएगा, तो आपका जो ज़्यादा तेल पीने लगेगा गाड़ी आपका, आपका जो जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बोल रहा हूँ मैं, जो नॉर्म है BS6 या BS4 का जो नॉर्म है, वो फेल कर जाएगा अगर आप उसको करने जाइएगा तो, और आपका बाइक बहुत हेल्दी नहीं चलेगा। और अगर वो ऑक्सीजन सेंसर ख़राब हो जाता है, तो तुरंत आपका इंजन मैल फंक्शन का, आपका लाइट जल जाएगा, तो आपको पता ही चल जाएगा कि आप चेक करवाइएगा तो पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन सेंसर का इशू है। तो ये चीज़ ना हो, तो आपको दो तीन साल में एक बार ऑक्सीजन सेंसर का सर्विस करवा लिया कीजिए, कोई भी गाड़ी में, जो भी आजकल ये सब भी गाड़ी में तो लगा हुआ ही रहा है ना, कि हम लोग का इंटरेस्ट रॉयल इनफील्ड में, कोई भी बाइक में। और ये बहुत ही कॉस्टली आता है, ये 4000 का ईच आता है जो इंटरसेप्टर में लगता है, तो दो लगता है तो 8000, तो आपकी पॉकेट में छेद ना हो तो इसको आपको क्लीन करवाना पड़ता है। तो यही छोटा मोटा काम रहता है ऑक्सीजन सेंसर का। तो आप, अब हम लोग किस तरीके से सब काम धाम किए उसका वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो बढ़िया से वीडियो देखिएगा, और आपको भी लगेगा कि वाह, गजब चीज़ होता है भाई। तो ठीक है, चलिए आप लोग वीडियो देखिए। बाइक का अभी दोनों O2 सेंसर क्लीन होगा, थोड़ा दिक्कत दे रहा है O2 सेंसर से,
कार्बन जम गया है, तो आज क्लीन करवाएंगे इसको दोनों साइड का, देखते हैं कितना गंदा निकलता है। अब जाके इसका खुला है और O2 सेंसर निकल रहा है इसका। अब जाके O2 सेंसर खुला है। ये O2 सेंसर है, देखिए कितना गंदा है इसके अंदर, पूरा ये लगा हुआ है, ये क्लीन करना पड़ता है। देखिए इसी के कारण जानते हैं ये थोड़ा दिक्कत करता है, यही ऑक्सीजन को यही ना देखेगा। हाँ, इसी को क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन हो रहा है पूरा। ये क्लीन होके इतना क्लीन हो गया, पहले कितना डर्टी था, अब देखिए एकदम क्लीन हो गया। ये पूरा छेद बंद था इसको, अब देखिए कितना क्लीन हो गया। क्लीन करवाना पड़ता है इसको एकदम क्लीन। अभी इस साइड का खुल रहा है, उस साइड का हो गया लग के, अब इस साइड का खुलेगा। साइलेंसर डैमेज भी है मेरा, देखते हैं इसमें क्या होता है। खुल रहा है इस साइड का भी, पूरा क्लीन हो गया है इस साइड का। इस साइड का देखिए पड़ा हुआ है, पूरा क्लीन हो गया ये। अब ये लगेगा तो ये काम बढ़िया करेगा, इतना क्लीन हो गया। सो गाइस, मुझे लगता है आप लोग ने तो देख ही लिया किस तरीके से ऑक्सीजन सेंसर भी इशू करता है। और ये प्रॉब्लम वीडियो का पार्ट सेकंड है, अभी पार्ट और भी आएगा, आप लोग उसको भी देख के शॉक होइएगा। और मैं इस वीडियो में, मैं आपको भी तो लग ही रहा होगा कि मैं बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिया हूँ कि पहले ऑक्सीजन सेंसर में क्या इशू होता है, उसको उसका वर्किंग क्या रहता है। उसके बाद वीडियो भी दिखा दिया कि क्या क्या उसमें मेरे में कार्बन वाला प्रॉब्लम आ रहा था। और गाइस, आपको भी ये जो ऑक्सीजन सेंसर वाले जो चीज़ होता है ना, वो आपको 2 या 3 साल में एक बार खुलवा के सर्विस करवा लेना चाहिए, क्योंकि ये इशू आपको बड़ा आ जाएगा। बहुत कॉस्टली ये रहता है, और थोड़ा सा बस खोल के क्लीन करवाने के अगर आप नहीं फॉर्म में रहिएगा ना, तो आपको बहुत पैसा आपको खर्चा हो जाएगा, 4,000-5,000 इसका कीमत रहता है। क्योंकि ये थोड़ा ऐसा जगह में रहता है कि जहाँ पे बहुत हीट होता है, इसी कारण इसका रेट बहुत ज़्यादा रहता है। और थोड़ा सा सर्विस करवा लीजिएगा तो ये आपका एकदम सही हो जाएगा। सो गाइज, ये मेरा प्रॉब्लम वीडियो का पार्ट सेकेंड है, अभी और भी पार्ट आएगा तो आपको वो भी बहुत ही ज़बरदस्त लगने वाला है। इसके सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट में तो आप शॉक हो जाइएगा कि भाई ऐसा भी हुआ है मेरे साथ, मेरे साथ हुआ है। मैं और ये मैं वॉइस ओवर में कर रहा हूँ क्योंकि मैं प्रॉपर वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि यार ये सब देख के इतना मूड ख़राब हो जाता है ना कि कुछ करने का मन नहीं करता। पर क्योंकि मुझको आप लोग को दिखाना था, और ये जो रॉयल इनफील्ड अभी गाड़ी बना रही है और बेच रही है, बना रही है और बेच रही है, ये क्या क्वालिटी का ये सब गाड़ी बना रही है ना, तो ये पूरे दुनिया, पूरे इंडिया को ये देखना और पूरे वर्ल्ड को देखना ये ज़रूरी रहता है भाई। मैं तो वीडियो अभी हिंदी में बना रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग बोला है यार हिंदी में बनाना ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि भाई हम लोग का तो जान ही रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे हमारे देश में, तो इंग्लिश में क्यों बनाऊँ, हिंदी में बनाना मस्त है। सो गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है ना, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्या आपको इसमें लगता है कमेंट डाउन बिलो ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको किसी और को दिखाना भी है ना, तो इसको शेयर आप ज़रूर कीजिएगा, दूसरों को भी पता चले कि ये सब भी इशू आता है। ये सब ये रॉयल इनफील्ड में नहीं, कोई भी बाइक में, अभी तो सब बाइक में ऐसे ही लगी आ रही है। और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझको अच्छा लगता है, मैं और भी ऐसा ऐसा वीडियो अभी और बनाऊंगा। तो अभी कुछ वीडियो में मैं ऐसे ही वॉइस ओवर करूंगा, थोड़ा मोड़ा इधर उधर का आवाज़ आएगा तो थोड़ा आप उसको लेके चलिएगा, क्योंकि भाई घर में इधर उधर से बाइक वाइक जाता रहता है, लोग उगाते जाते रहते तो आवाज़ रहता है। ओके गाइज, अगर आपको बढ़िया लगता है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके गाइज, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।